आपको क्विकली रिच बनना है, फाइनेंशियली फ्री बनना है, तो उसके 3-4 तरीके है अगर आपको जल्द से जल्द रिच बनना है। तो जैसे कि आपने लॉटरी ले ली और लकीली आप लॉटरी जीत गए और आप बहुत ज्यादा अमीर बन गए, और द सेकंड वे इज जहाँ पे लक्ष्मी चिट फंड में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अनलाइक फिर हेरा फेरी वो लक्ष्मी चिट फंड सच में आपका पैसा डबल करके दे रहा है 21 दिन में, तो बस आप 21 दिन में पैसा डबल करते गए और अमीर बन गए। बट ये तरीके फॉर 99% ऑफ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे कौन से तरीके हैं जिस तरीके से ये सभी लोग जो 99% ऑफ लोग हैं वो ये तरीके को यूज करके एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। My name is Pratik, and जो भी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस एपिसोड में, ये सारी बातें मैं 2 बुक से इंस्पायर होकर आपसे शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे जो फर्स्ट बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड एंड जो सेकंड बुक है वो है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। ये दोनों ही बुक एक बिगिनर फ्रेंडली बुक है, और अगर आपको पैसों के बारे में जानना है, अगर आपको जानना है कि पैसा काम कैसे करता है, तो आई हाईली रिकमेंड आपको रीड करनी चाहिए ये दोनों बुक। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस क्या वो ऐसी चीजें हैं जो गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा गरीब बनाती है और एक अमीर आदमी को ज्यादा से ज्यादा अमीर बनाती है। एंड द मेजर डिफरेंसेस रिच एंड पुअर में वो है कि ये जो रिच लोग हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसों को काम पे लगाते हैं खुद की वेल्थ को ग्रो करने के लिए। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी इन फाइनेंस, जहां पे एसेट इज अ गुड थिंग, ये जो एसेट है वो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, एंड ये जो लायबिलिटी है वो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। और ये जो रिच लोग होते हैं, ये लोग जो इनिशियल स्टेज होता है उनके लाइफ का, उनके करियर का, उसमें वो लोग ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना सेविंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा एसेट एक्युमुलेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। वो रियल एस्टेट हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो स्टॉक्स हो सकते हैं, वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, बट उनके अगर पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो इनिशियल स्टेजेस में वो बहुत ज्यादा सेविंग करते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में एसेट बिल्ड करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि साल दर साल वो एसेट जो है वो ग्रो होते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करके वो रिच लोग वो एसेट कॉलम में डालते रहते हैं एंड वो पैसा और ज्यादा ग्रो होने लगता है, और आफ्टर फ्यू ईयर्स इतना ज्यादा एसेट कॉलम बिल्ड हो गया है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनके जो सारे एक्सपेंसेस है जो उनको चाहिए अपनी लाइफ को चलाने के लिए, वो पूरे खर्चे ये जो एसेट कॉलम है उससे जो फ्री कैश फ्लो आ रहा है वो सफिशिएंट है उनके सारे एक्सपेंसेस को खत्म करने के लिए, सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। और इन अपोजिट अगर हम एक मिडिल क्लास पर्सन का पोर्टफोलियो देखें तो उनके पोर्टफोलियो में जो उनका इनकम है उसमें से ज्यादातर हिस्सा उनके एक्सपेंसेस जो डेली खर्चे रहते हैं वो, एंड जो बाकी बचता है उसमें से ज्यादातर पैसा उनकी जो लायबिलिटीज है, उनके होम लोन हो सकते हैं, उनके कार लोन हो सकते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो सकते हैं, जो भी पैसा उनके लायबिलिटी में चले जाता है, एंड एट दी एंड उनके पास कुछ पैसा नहीं बचता अपनी एसेट कॉलम को बिल्ड करने के लिए। और यही मेजर डिफरेंस है दोस्तों एक रिच और एक पुअर आदमी में, जहाँ पे अनलाइक पुअर पीपल जो एक रिच आदमी होता है वो अपने पैसों को सबसे ज्यादा एक्युमुलेट करता है अपने एसेट को बिल्ड करने के लिए, और ये जो एसेट है वो साल दर साल ग्रो होते रहते हैं और एक टाइम के बाद अपने एसेट कॉलम से इतना सारा फ्री कैश फ्लो ये रिच पीपल जनरेट करते हैं जो सफिशिएंट होता है उनके सारे एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए, और कई बार अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरे करने के बाद भी ये जो फ्री कैश फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पड़ जाता है, और ये जो ज़्यादा एक्सेस मनी बाकी रह जाता है वो भी वो अपने एसेट कॉलम में डाल देते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो आते रहता है, और इसी वजह से जो अमीर आदमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनते जाता है और ये जो गरीब आदमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बनते जाता है, बिकॉज गरीब आदमी ने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करने के लिए। नाउ द थिंग इज कैसे हम स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करना हो तो कैसे हम स्टार्ट करें, सो इसी के बारे में अभी हम भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो एंड शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए रुकाओ मैं, सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा, सब्सक्राइब कर दो यार। The first thing you should do is savings. जो भी आपका इनकम सोर्स है, आप जॉब करते हो, आप फ्रीलांस करते हो, आपका कोई छोटा बिजनेस है, जहां से भी आप पैसा जमा कर रहे हो, जहां से भी आपको पैसा मिलता है, जो भी आप अर्न कर रहे हो वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा पोर्शन,
70-75-80-90% ऑफ पोर्शन आपको सेव करना है। जितना ज्यादा आप सेव करते जाओगे उतना ज्यादा आपका चांसेस बढ़ जाएगा जल्दी से जल्दी आपके एसेट कॉलम्स को स्ट्रॉन्ग करने में और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज सेव एज मच एज यू कैन। एंड जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ रही है वैसे वैसे आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपने अपने रिस्क को मैनेज किया है एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस लेके और अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करके। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखा है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दे दूंगा, वो आप जरूर चेकआउट करना इस वीडियो के बाद। बट द थिंग इज जैसे आपकी सेविंग बढ़ती है वैसे वैसे पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा हिस्सा इमरजेंसी फंड और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में। नाउ आपने एक बार ये दोनों चीजें कर ली, नाउ द थिंग इज आपको अपनी एसेट कॉलम को बिल्ड करना है। नाउ द गेम इज योर्स, आपको कैसे अपने पैसों को ग्रो करना है वो आपके ऊपर है, आपके रिस्क और आपके इंटेलिजेंस के ऊपर है। अगर आप बिजनेस को एनालाइज करने में अच्छे हो और आपको चाहिए कि बिजनेस में आपको अपना पैसा लगाना है और उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको अपना पैसा ग्रो करना है तो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। द सेकंड वे इज जहां पे अगर आपको लगता है कि आप रियल एस्टेट में अच्छे हो और रियल एस्टेट आपको अच्छे से समझ और इसमें आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो कर सकते हो, आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए। इन द थर्ड वे इज जहां पे आप स्टॉक मार्केट में और डेट फंड्स में पैसा डाल के अपने पैसे को ग्रो कर लो। बट द थिंग इज द मेन थिंग इज आपको अपनी एसेट कॉलम को बिल्ड करना। जस्ट थिंक लाइक दिस, लेट्स अज्यूम आपके पास 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए नहीं है, ये 10,000 सोल्जर्स है। ये जो 10,000 सोल्जर है ये आपके लिए काम करेंगे और ये 10,000 सोल्जर्स और 10,000 सोल्जर्स को लेके आएंगे और आपको 20,000 सोल्जर्स मिल जाएंगे आने वाले कई सालों में। इसी तरह से जितने ज्यादा सोल्जर्स आपके पास रहेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सबसे ज्यादा से ज्यादा अपनी वेल्थ को ग्रो करने के और अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के। एंड यस, दिस इज द पाथ जहां से आप एक अच्छे से अपनी वेल्थ को ग्रो करके एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान एंड ओवर द टाइम फाइनेंशियली फ्री इंसान बन सकते हो, जहां पे आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपका जो पैसा है, आपकी जो एसेट कॉलम है वो आपके लिए काम करता रहेगा। इनिशियल स्टेजेस में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपने पैसों को सेव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा। दैट ब्रैंड न्यू कार, दैट ब्रैंड न्यू होम कैन बी डिलेड, बट द थिंग इज आने वाले 10 से 15 सालों में आप अपने आप को थैंक्स बोलोगे एंड आप अपने आप को कहोगे कि यस दिस वॉज द नाइस डिसीजन टू डिले द ग्रेटिफिकेशन टू बिल्ड दिस मच मनी एंड टू बी फाइनेंशियली फ्री। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वाले वीडियो के कोड के लिए और सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।